मैं आपसे ये बात करना चाहती थी शौर्य कि मैं आप देखिए मिस्टर शेरगिल, आप हमारी चौल डिमोलिश नहीं कर सकते। देखिए आपने प्रॉमिस किया है हा? और अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो ना मैं क्या? मेघना चलो घर चलते, घर जाकर बात करेंगे। ये ताई, मैं मिस्टर शेरगिल से चौल बचाने की इतनी इंपॉर्टेंट बात करी और आप है कि अब ये मत जताइए कि सब कुछ सिर्फ आप कर सकती हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी अपनी चौल और अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। सॉरी मिस्टर शेरगिल, अब तो मैं ये कह रही थी कि आप हमारी चौल खाली नहीं करवा सकते। डोंट वरी, तुम्हारी चौल को वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। योर हाउस इज सेफ। देखा भाई, मैं आपसे क्या कह रही थी, आखिर मैंने अपनी चौल और अपने घर को बचा ही लिया। और वैसे भी मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि आपसे तो कुछ होगा नहीं। बट लिसन टू मी, आज के बाद दी से, संगमित्रा दी से दोबारा बात मत करना। दी को हेल्थ की काफी प्रॉब्लम है और इस सिचुएशन में राधा हमारी हेल्प कर रही है। मेरे भाई एडी की ऑब्जर्वेशन के लिए दी के साथ किसी का होना बहुत जरूरी है हमेशा, और राधा ने एग्री किया है कि एडी की ऑब्जर्वेशन के लिए वो हमारे साथ हमारे घर चलेगी। ओह, तो ये बात है। और हाँ, राधा की हेल्प के लिए हम उसकी फैमिली को मॉनिटरली कॉम्पनसेट करेंगे। हाँ। और तुम्हारी चौल, तुम्हारा हाउस, उसे कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे पोजेशन में ही रहेगा। इट्स आवर डील। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर शेरगिल, आपने मेरा मान रख लिया। थैंक यू सो मच। आपने ठीक नहीं किया मिस्टर शेरगिल। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जरूर राधा ताई पे कोई नई मुसीबत आने वाली है।